हाँ स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल का पाठ्यक्रम करिकुलम कैसा हो। एनसीएफ 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जो स्कूली पाठ्यक्रम पर एक पूरा फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है। एनसीएफ 2005 ने कहा है, उसमें ये बात लिखित में है कि मुख्य विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इनको पढ़ाने के साथ जो शारीरिक शिक्षा, क्राफ्ट, कला आदि के जो विषय थे वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में डाल दिए गए थे। और निश्चित रूप से ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं को दूसरे विषय की तुलना में कम महत्व मिलता है, और कम महत्व मिलने के कारण विषय का ज्ञान तो बच्चों को होने लगा, लेकिन पाठ्य सहगामी क्रियाओं की उपेक्षा के कारण समाज में वैसे नागरिक हमको नहीं मिले जैसे वास्तव में मिलने चाहिए। केवल विषय का ज्ञान समाज के नागरिक के गुणों को पूरा नहीं करता है, हमको समाज में ऐसे नागरिक की आवश्यकता पड़ती है जिसके में सौंदर्य बोध हो, जो नैतिकता का समर्थक हो, जो स्वस्थ हो, और ये सब बातों के लिए ज़रूरी है कि सहगामी क्रियाओं को भी पूरा पूरा महत्व मिले। तो यहाँ हम अब चर्चा करेंगे कि स्कूल का पाठ्यक्रम कैसा हो। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम थोड़ा सा अंतर है। पाठ्यक्रम वह विषय वस्तु है जो एक निर्धारित कक्षा के लिए तय किया जाता है। विषय वस्तुओं को संगठनात्मक रूप से कलेक्ट करके एक निश्चित कक्षा के लिए उस विषय का पाठ्यक्रम तय किया जाता है। ये पाठ्यक्रम को जहाँ पर सुसंबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है वो पाठ्य पुस्तक होता है, और पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए जो ढेर सारे जतन किए जाते हैं वो पूरा पाठ्यचर्या होता है। यानी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, ये तीनों एक दूसरे से पूर्णतया संबंधित होते हैं। दस्तावेज 2005 के आधार पर हम यहाँ सबसे पहले चर्चा करेंगे कि उसमें जो विषय समावेश किए जा रहे हैं उनका औचित्य क्या है और उनका वास्तव में उद्देश्य क्या है, और वो क्यों रखे गए हैं, उसमें कौन कौन से विषय रखे गए हैं। तो सबसे पहले दस्तावेज भाषा शिक्षा की बात करता है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में भाषा की शिक्षा जरूर होनी चाहिए। भाषा की शिक्षा को प्रारंभ करने के पहले दस्तावेज ये कहता है कि शिक्षक को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा जब स्कूल आता है, चाहे वो प्राइमरी में आए या प्राइमरी में आए, उसके पास अपनी एक भाषा होती है। और ये भाषा उसकी कैसी होती है, जिसको वो बोलना जानता है, जिसके शब्दों से परिचित होता है, जिस किसी बात के लिए कोई संकेत उसको दिया जाता है तो उस संकेत को पहचानता है, और ये सब के आधार पर वो अपने परिवेश से जुड़ता है। वो भाषा की जटिलता और भाषा के शब्दों की ध्वनि के अनुसार भाषा को बोलना भी जानता है। कई बच्चे एक से अधिक भाषा को भी बोलते और समझते हैं जब वो स्कूल आते हैं। यानी बच्चों के पास एक संग्रह होता है, एक संचित खजाना होता है जिसको लेकर वो स्कूल में प्रवेश करते हैं। शिक्षक इस संचित खजाने का उपयोग कैसे करेगा ये शिक्षक पर निर्भर होता है। यदि प्रवेश के समय प्री प्राइमरी या प्राइमरी में बिल्कुल नवीन भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाए तो बच्चा अपने उस परिवेश से इस ज्ञान के परिवेश को जोड़ नहीं पाता है, और उसकी जानकारी की, उसके ज्ञान की, उसके खजाने की उपेक्षा हो जाती है। दस्तावेज तो यहाँ तक कहता है कि बच्चे की मातृभाषा की उपेक्षा कर देना यानी उसकी अस्मिता को खतरे में डाल देना है। और बच्चे की जब अस्मिता खतरे में होती है तो वो अपने को इस नए माहौल में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाता, वो सहम जाता है, और सहमे सहमे वो देखता है कि स्कूल में जो उसे पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, वो उसके जीवन से कहीं पर मेल नहीं खाता। क्योंकि भाषा पहला वह संसाधन है जिसके माध्यम से संप्रेषित चीज़ों को
बच्चा समझ सकता है। और यदि उसकी भाषा ही नवीन कर दी जाए या नवीन भाषा और उसकी जानकारी वाली भाषा में किसी प्रकार का कोई संगत ना बिठाया जाए तो बच्चा इससे अपने को स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाता है। और जब वो स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाता तो पढ़ाई उसके लिए बचपन से ही बोझ बन जाती है। और इस प्रक्रिया में बच्चा ज्ञान की वस्तु को, ज्ञान को दैनिक जीवन से नहीं जोड़ने के कारण दूर की वस्तु समझने लगता है। इसलिए शिक्षक को बच्चे की भाषा का उपयोग क्लास में सिखाने में करना चाहिए। यदि शिक्षक के कक्ष में एक से अधिक भाषा को जानने वाले बच्चे बैठे हैं तो उसको इतना सक्षम होना चाहिए कि वो इसका उपयोग कक्षा के संसाधन के रूप में करे, सिखाने के संसाधन के रूप में करे। कैसे करेगा? बच्चों से पूछे कि वो क्या इस चीज़ को तुम कैसे बोलोगे। और इस प्रकार बच्चे अपनी अपनी भाषा का आदान प्रदान करना सीखेंगे। और जो भारत की विविधता है, भारत की बहुभाषिकता है, बहुभाषिकता के कारण भी एकता है, वो सब बातों से बच्चे बचपन से ही परिचित होते हुए बड़े होंगे और एक दूसरे को उनको जानने और समझने का ज़्यादा अवसर मिलेगा, बशर्ते शिक्षक इस एक से अधिक भाषा की जानकारी को शैक्षिक संसाधन के रूप में उपलब्ध करना सीख ले।